हाय फ्रेंड्स, मैं विजय छेत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, लीजिए पे से आप सबके सामने गुड न्यूज ऑफ गुड फ्राइडे, वो शुभ संदेश जो खासकर आपके लिए है उस परमेश्वर की ओर से जिसने आपको बनाया। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी घटना से शुरू करता हूँ। एक तालाब में एक छोटा सा बच्चा अचानक गिर जाता है। लोगों का भीड़ जमा होने लगता है। भीड़ में से एक आदमी रस्सी फेंकता है, पर वो रस्सी पहुंच नहीं पाता। दूसरा आदमी उस बच्चे को डंडे के सहारे निकालने की कोशिश करता है, पर नाकाम हो जाता है। तीसरा व्यक्ति उसे तैर कर बाहर आने की सलाह देता है, पर वो बच्चा और भी डूबने लगता है। तभी एक आदमी उस गहरे तालाब में अपने जान की परवाह किए बगैर कूद जाता है और खुद मरते मरते उस बच्चे को आखिर बचा ही लेता है। जानना चाहते हैं ये घटना किस पे आधारित है? वो डूबता हुआ बच्चा हम हैं। वो तालाब पाप से भरा हुआ संसार है, और जो अपनी जान पर खेलकर हमें पापों से बचाया वो है प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उन्हीं के बारे में कहने जा रहा हूँ जिसने हमें हमारे पापों से बचाने के लिए 2019 वर्ष पूर्व इस धरती पर जन्म लिया और गुड फ्राइडे के दिन उस क्रूस पे अपना जान दिया ताकि हमें बचा सके। यीशु का क्रूस पे दर्द और पीड़ा सहना एक ऐसा दृश्य है जिसे हम आसानी से नहीं समझ सकते। उन्हें उनका ही एक चेला धोखा देता है, गिरफ्तार करवाता है और लोग झूठे आरोप लगाकर उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं। उन्हें पीटा जाता है और कोड़े लगवाए जाते हैं। कांटों का मुकुट उनके सिर पर पहनाया जाता है। एक भारी लकड़ी का क्रूस लादकर उन्हें पीटते हुए गलगत्ता पहाड़ी तक ले जाया जाता है। एक एक कदम चलना उनके लिए भारी पड़ रहा था, क्योंकि लोगों का भीड़ उन्हें साथ देने के बजाय उन्हें गाली दे रहे थे। पर यीशु ने मुड़कर नहीं देखा और चलते रहे। वे उस क्रूस की यात्रा को इनकार भी कर सकते थे और स्वर्ग से आग भी बरसा सकते थे और स्वर्ग दूतों का सैन्य दल बुलाकर खुद को छुड़ा भी सकते थे और बचा भी सकते थे। पर यीशु खुद को बचाने के इच्छुक नहीं थे, पर वे तो आपको बचाने के लिए इच्छुक थे। हर बात जो उस दर्दनाक क्रूस से जुड़ा था वो सब परमेश्वर का योजना का एक अंश था, ताकि वो आपको परमेश्वर से मिलाप करवा सके, यानी उस संबंध को फिर से जोड़ सके जो सदियों पहले ईडन गार्डन में शैतान द्वारा तोड़ा गया था। हम सभी लोग अंदर से टूटे हुए हैं। हम अपने जीवन में उलझ कर रह गए हैं उन गलत निर्णयों के वजह से जो हमने लिए थे, और किसी ने भी हमें बचपन में क्रोध, स्वार्थ, झूठ बोलना इत्यादि नहीं सिखाया था। हम तो उन्हीं के साथ जन्मे थे, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही पापी होते हैं। परंतु उस क्रूस पे जो लहू यीशु ने बहाया, बाइबल कहती है उस लहू के द्वारा उन्होंने हमारे सारे पाप धो दिए और उस क्रूस पे जीत हासिल किया। उनका बलिदान ही मानव जाति के लिए एकमात्र उपाय और वरदान है, जिसको विश्वास करके हमारा उद्धार होता है, यानी पाप से मुक्ति मिलती है। उनका बहुमूल्य लहू एकमात्र ऐसा टिकट है जो उस द्वार को खोल देता है जहाँ आपका और परमेश्वर का संबंध सदाकाल के लिए बना रहता है। एक ऐसा संबंध जहाँ परमेश्वर को एक पिता, मित्र, बड़े भाई आदि रूपों में जब चाहो पा सकते हो। वाओ, कितना अद्भुत सुख संदेश है ना? तो अब हम क्या करें? बाइबल कहती है अगर हम अपने मुंह से स्वीकार करें कि यीशु ही खुदा है और अपने हृदय में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया, तो आपका उद्धार होगा। इस वचन के अनुसार मन यानी दिमाग से सिर्फ यीशु को विश्वास करना काफ़ी नहीं है, आपको अपने हृदय से भी विश्वास करना होता है। अब उस क्रूस के नीचे सिर्फ एक ही व्यक्ति रह जाता है और वो है आप। अब आप क्या कहेंगे यीशु से? कहे, धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने मेरे लिए लहू बहाया। मैं आज मेरा हृदय आपको देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए और फिर से जी उठे। कृपया कर आज मुझे एक नया हृदय और नया जीवन दे। दोस्तों, परमेश्वर ने आपका प्रार्थना सुन लिया है और आपको बहुत जल्द इसका उत्तर भी मिल जाएगा, अगर आपने इस प्रार्थना को सच्चे दिल से किया है तो। तो दोस्तों, ये था गुड न्यूज ऑफ गुड फ्राइडे। कैसा लगा? अपना व्यूज कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। अगर परमेश्वर के प्रेम के विषय में आप और भी जानना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।